मर्डरर्सको रेपर्सको ऐसा करके सजा दिया गया है वो एक वो लिखा जाए कि त्रिपुरा में एक टाइम में ऐसा हुआ है। मैं ऐसा सजा चाहती हूँ और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी। रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन किसी का भी कोई भी आज तक जस्टिस मिला है मुझे नहीं लगता है। क्यों को कोई इधर में कोई जात का बात नहीं हो रहा, बंगालीज को भी कोई इतना अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और त्रिपुरासाओं को भी नहीं मिल रहा है। मैं पूछती हूँ जो अभी गवर्नमेंट में जो है, रूलिंग पार्टी में जो है, मैं उन लोग को अपने मुख्यमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री को मैं पूछना चाहती हूँ ये कैसा आप लोगों ने कैसा सरकार में कैसा ये लाया है। क्योंकि आज तक हम लोग जब से बीजेपी सरकार आया है हम लोगों ने देखा है क्राइम बढ़ते जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, हर त्रिपुरावासी बोल रहा है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया है कि त्रिपुरा में क्राइम बढ़ रहा है। तो रेप का केस तो आप देख रही है, दिन में एक बार तो आपको न्यूज़ मिल ही जाएगा। आप जब भी न्यूज़ का पेज खोलोगे तो आपको मिल जाएगा कि आज यहाँ रेप हुआ है, आज यहाँ किसी का गैंग रेप किया गया, आज किसी का गला काट के उसका मर्डर किया गया है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आज प्रशासन अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को, अपने जनता के हित के लिए सोचने वाले शासन किया है तो आज क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा है? तो मैं पूछूंगी उनसे कि जल्द से जल्द आप इसका सख्त कार्रवाई करके जितने भी क्राइम्स वाले हैं, जितने भी दोषी हैं, उन लोग को जल्दी से जल्दी सजा दिया जाए। और जो मर्डर आज हम लोग जगह जगह में देख रहे हैं, कोई मोम लेके रैली कर रहा है, कोई मसाल लेके रैली कर रहा है, तो मैं हम लोग त्रिपुरामोथा की तरफ से हम लोग DWF बहुत देखी है हम लोगों ने कि जितना भी जस्टिस के लिए आप लोग बात करो, जस्टिस तो नहीं होता है। जैसे कि हमारे विश्वजीत के लिए कहाँ जस्टिस हुआ है, एक साल से ज़्यादा हो गया कहाँ जस्टिस मिला, उससे पहले और भी हुआ है, तो उन लोग को कहाँ जस्टिस मिला है। लेकिन आप और नहीं, हम लोग बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम लोग सेफ नहीं है, हम लोग जनजाति भी सेफ नहीं है, जाति भी सेफ नहीं है। तो उन लोग के हित के लिए DWF अभी ऐसे नहीं बैठेगी। और जितने दिन अब ये नहीं आश्वासन हम लोगों को ये नहीं दोगे कि ये सजा, ये राय हुआ है, ये जस्टिस आप लोगों को मिल जाएगा, ये नहीं, जब तक लिखित में नहीं आए, हम लोगों को नहीं दिखाएगा, नहीं बोलेगा, तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन चलाते रहेंगे। थैंक यू।